आज से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को शुरू कर रहे हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिनका यूज करके हम इंटीग्रेशन को बड़े ही आसानी से इवैल्यूएट करते हैं। तो बात करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज की। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, वो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई हमारा इंटीग्रेशन लिमिट ए से बी में है और उस फंक्शन में अगर हम वेरिएबल को चेंज कर दें बिना लिमिट के चेंज किए अगर हम केवल वेरिएबल को चेंज करते हैं तो इससे हमारा इंटीग्रेशन का वैल्यू सेम रहेगा, उसमें कोई भी अंतर नहीं आता है। हाँ, ध्यान इस चीज़ का रखना है कि हमारा लिमिट वही होना चाहिए। कहने का मतलब कि अगर कोई फंक्शन में अगर वेरिएबल एक्स यूज हुआ है और वही सेम फंक्शन में अगर हमने वेरिएबल टी यूज कर लिया, दोनों का लिमिट अगर सेम है तो दोनों का आंसर भी सेम आता है। मतलब कि इंटीग्रेशन जो होता है वो वेरिएबल के चेंज होने से उसके फाइनल आंसर पर डेफिनेट इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फंक्शन सेम रहना चाहिए, फंक्शन में वेरिएबल एक्स है या वेरिएबल टी है, इससे उस आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक कि सेम लिमिट हो। आइए इस प्रॉपर्टी का प्रूफ देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, मान लीजिए कि हमने कोई फंक्शन स्मॉल एफ एक्स कोई फंक्शन लिया और इसे हमने इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट करने पर हमें कैपिटल एफ एक्स मिला। हमने एक फंक्शन एफ एक्स लिया स्मॉल एफ एक्स। ये फंक्शन में हमने वेरिएबल को एक्स रखा और उसको इंटीग्रेट करने पर हमें कैपिटल एफ एक्स मिला। सोचिए, अगर उसी फंक्शन में एक्स की जगह पर हमने अगर टी यूज किया रहता तो फाइनल आंसर हमारा एफ टी मिलता। केवल वेरिएबल चेंज करें, फंक्शन वही हो, तो जो आंसर आता इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में वो भी वही रहता, बस वेरिएबल जहां पर पहले एक्स आ रहा था उसकी जगह पर टी आ जाता। अगर हमने इसी इंटीग्रेशन को लिमिट ए से बी के बीच में प्रोसेस किया रहता तो जब हमने डेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी तो सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने इस बात पे चर्चा की थी कि लिमिट ए से बी एफ एक्स डी एक्स जो होता है इसका फाइनल आंसर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। हमने इस बारे में सबसे फर्स्ट डे डेफिनिट इंटीग्रेशन में बात की थी। अब यही सेम चीज अगर हमने एफ टी डी टी पर अप्लाई किया लिमिट ए से बी में तो इसका भी आंसर एफ बी माइनस एफ ए आएगा। ये है इक्वेशन वन और ये है इक्वेशन टू। दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो दोनों का आरएचएस सेम है। दोनों का अगर आरएचएस सेम है तो दोनों का एलएचएस भी सेम होगा। और इससे ये प्रूफ हो जाता है कि अगर हमने लिमिट को चेंज नहीं किया तो फंक्शन में केवल वेरिएबल को चेंज कर देने से उसका आंसर चेंज नहीं होगा, वह आंसर सेम आएगा। फंक्शन सेम रहना चाहिए, बस उस फंक्शन में वेरिएबल को हमने चेंज कर रहे हैं, ऐसा करने से आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने लिमिट 1 से 2 x dx की वैल्यू कैलकुलेट की और लिमिट 1 से 2 t dt की वैल्यू कैलकुलेट की तो दोनों का आंसर सेम आएगा। यहां पर देखिए, जो लिमिट यहां यूज हुआ है वही लिमिट यहां पर भी है, जो फंक्शन हमारा यहां यूज हुआ है वही फंक्शन हमारा यहां पर है, बस हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया। बात केवल ये एक्स पर ही नहीं है, अगर हम यहाँ एक्स स्क्वायर ले लें और यहाँ पर टी स्क्वायर ले लें और तब अगर हम इस पूरे को सॉल्व करें तब भी दोनों का आंसर सेम आएगा। जिस फंक्शन को हम यहाँ ले रहे हैं उसी फंक्शन को हम यहाँ पर ले लें टी के फॉर्म में
तो दोनों को इवेलुएट करेंगे तो दोनों का फाइनल आंसर सेम आएगा। यही है डेफिनेट इंटीग्रेशन की पहली प्रॉपर्टी कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में वेरिएबल के चेंज होने से फाइनल आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बशर्ते कि हमारा लिमिट वही रहना चाहिए और फंक्शन भी वही रहना चाहिए।